हम अपने बच्चों को आसमान की बुलंदियों पर सफलता का परचम लहराते हुए देखना चाहते हैं। ये बातें न्यू वे पब्लिक स्कूल के निदेशक मोहम्मद आज़ाद आलम ने कही। रविवार की देर शाम स्कूल में आयोजित वार्षिक समारोह के मौके पर स्कूल में बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में AIMIM नेता राशिद अनवर शामिल हुए। अतिथि को बूके देकर स्कूल के निदेशक ने स्वागत किया। मौके पर राशिद अनवर ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस आधुनिक युग में शिक्षा के बगैर हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि शिक्षा से विकास के तमाम रास्ते खुलते हैं, क्योंकि शिक्षा विकास की कुंजी होती है। मौके पर स्कूल के निदेशक मोहम्मद आज़ाद ने कहा कि हमारे स्कूल में बेहतर तालीम के साथ साथ बेहतर तरबियत भी दी जाती है, साथ ही यहाँ दीनी, दुनियावी, आधुनिक और तकनीकी शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है। वार्षिक समारोह के मौके पर बच्चों के द्वारा गीत, संगीत, नाटक का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रतियोगिता में विजयी सभी छात्र छात्राओं को अतिथि के हाथों पुरस्कृत किया गया। पब्लिक स्कूल में आप आए, एनुअल डे है आज, यहाँ के बच्चों में कैसा प्रतिभा दिखा, आपको क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे तो हम हर साल एनुअल फंक्शन के मौके पे आज़ाद भाई के बुलावे पे हम आ जाते हैं। यानी ये हमारा शायद तीसरा बार है एनुअल फंक्शन के मौके पे हम यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो जितने टीचर्स को हम यहाँ पे जान पा रहे हैं, ऐसे भी ये बेहतर क्वालिफाइड हैं, और मैं मानता हूँ कि कुछ लोग इसमें से सीटेट क्वालिफाइड भी होंगे, है ना। और जो बच्चों का प्रतिभा दिखा है, जो बच्चों की तरबियत दिखी है, वो वाकई बहुत बेहतर तरीके से इन लोगों ने संवारने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करेंगे, उनकी मुस्तकबिल बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले हमारे सन सिटी न्यूज़ के जो संस्थापक है और हमारे जो साथी, मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे साथी जो अभी हम देखने जा रहे हैं, और हमारे स्कूल की जो आज का कार्यक्रम प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ और कुछ बच्चे का जो हमला कार्यक्रम हुआ, तो आखिर आप लोग तो देख के एक अनुभव अच्छे महसूस कर ही चुके होंगे। लेकिन हमें शुरू में बहुत ही चीज़ों से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि हमें कई सारा परेशानी बाढ़ से भी होती है, और बच्चे की पढ़ाई से लेकर गांव में एक अच्छे सपनों को लेकर उड़ान की ओर बढ़ना, ये वाकई में डिफिकल्ट की ओर है। तो देखा जाए तो कमियां तो बहुत है गांव में, खास करके सभी हमारे साथी भी जानते हैं, बल्कि बना इसको बेहतर तरीके से एक अच्छे सपनों को बना के लेके ऊँचा तक ले जाना, ये हमें बहुत संघर्षों से लड़ना पड़ा। तो गिनती हम साथ गिना नहीं पाऊंगा, वक्त बहुत ले लिया जाएगा। मैं यही कहूंगा कि बस ऊपर वाला हमें जिस प्रकार मेहनत और हमें काम की जोश, और हमारे साथी, हमारे भाई जैसे राशिद भाई आ गए, ऐसे ऐसे लोग आ गए कि हमारी हिम्मत को बढ़ाते, कभी कभी हमारा हिम्मत भी टूट जाता है, लेकिन हिम्मत बढ़ा के एक छोटे से बच्चे को गंदगी समझ एक प्रकार का साफ करके उसको एक बेहतर सफाई की ओर ले जाना, ये वाकई में चैलेंजेस की काम होती है। मेरे यहाँ पे हर प्रकार की शिक्षा अवेलेबल है, और हर प्रकार के प्रैक्टिकल के आधार पे शिक्षा दिया जाता है, क्योंकि हमारे सर, जैसे कि अभी राशिद भाई बोले हैं, और हमारे सर भी रियलिटी भी है, क्योंकि हमारे पास मैथ के सर हैं जो सीटेट में कई बार क्वालिफाइड है किए हैं, कई का सारे कंपटीशन का सर भी हमारे अवेलेबल है, जो बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। अभी हम इससे पहले भी बयान किए थे, इसमें से हमारे मदरसा जो यूपी में सबसे पुराना मदरसा कहा जाता है, आज़ादी के वक्त उस मदरसा अगर नहीं रहते, अगर वहाँ के सैनानी सदता, तो आज़ादी में शायद कहीं दिक्कत आ सकती थी, नहीं होती। लेकिन उस मदरसा के टॉपर शिक्षक है हमारे यहाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी हमारे शिक्षक है यहाँ। तो आप बताइए, हम लोग इतनी कम सस्ता में हमारे सर के द्वारा चाहे कि हम उसको फीस मैक्सिमम दे के, हालांकि वो मेरे फीस से नहीं पढ़ाने आते हैं, एक गाँव की भलाई, एक गाँव की बच्चे को बेहतर बनाने की वजह से वो आते हैं स्कूल। हमारे सैलरी पे वो कभी नहीं आते, ना हम कभी कहें कि हम आपको भैया हम सैलरी देते हैं, बल्कि वो अपना सेवा दे रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमें तहे दिल से हमारे जितने भी सर हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे कंधों से मिलकर प्रोग्राम से लेकर एक बच्चे की पढ़ाई तक ऊंचे स्थान तक ले जाने में सफल बनाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग का। अररिया के जीरो माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल, जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल,
शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलेक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।